हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयेश और आज हम एक नया प्रॉब्लम लेके आए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। तो क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एक्स्ट्रा सो दैट द वॉवल्स नेवर ऑकर टुगेदर। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हमें ऐसे कितने सारे ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं एक्स्ट्रा वर्ड के सारे लेटर यूज करके कि सच दैट इनमें से जो वॉवल्स है इस वर्ड के ई और ए, तो जितने भी वर्ड्स फॉर्म होंगे उनमें ये वॉवल्स साथ में नहीं रहेंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन पे एक्चुअल वर्क करने से पहले एक एग्जांपल लेता हूं। इमेजिन करो आपके पास 10 बॉक्सेस है और मैं आपको बोल रहा हूं कि हर एक बॉक्स में दो बॉल है, एक तो रेड या फिर ग्रीन या फिर दोनों के दोनों ग्रीन। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इन बॉक्सेस में हर एक बॉक्स में दो दो बॉल है और तीन बॉक्स ऐसे है कि जहां पर दोनों के दोनों जो बॉल है वो है ग्रीन, समझ में आया? मैंने क्या बताया था, 10 बॉक्सेस है, हर एक बॉक्स में दो बॉल है, वो किसी भी कलर के हो सकते हैं, या तो रेड या फिर ग्रीन, और मैं आपको बता रहा हूं कि उनमें से तीन बॉक्सेस ऐसे है कि जहां पे दोनों के दोनों जो बॉल है वो ग्रीन कलर के। अब अगर मैं आपको पूछता हूं कि भाई ऐसे कितने सारे बॉक्सेस है कि जहां पे ग्रीन बॉल साथ में नहीं है, तो आप क्या करोगे, पूरे जो बॉक्सेस है 10, उनमें से जितने बॉक्सेस जिनमें दोनों बॉल साथ में वो कितने, तीन, उनको सबट्रैक्ट कर दोगे, तो सात ऐसे बॉक्स रहेंगे कि जहां पे ग्रीन बॉल साथ में नहीं रहेंगे। तो सेम यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बोला है कि ऐसे वर्ड ढूंढने की जहाँ में वॉवल साथ में नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, पहले इन फाइव लेटर से जितने भी वर्ड फॉर्म हो सकते हैं वो एक बार फाइंड कर लेंगे और उसके बाद में जितने भी वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनमें वॉवल्स जो है वो साथ में है वो आ रहे हैं वो हम उनमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एक्चुअल वर्ड क्या है, एक्स्ट्रा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5। अब देखो अपने पास फाइव लेटर्स है, फाइव लेटर्स का अपने को वर्ड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे पहली चीज हम ब्लॉक बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो पहले ब्लॉक को हम कितने नंबर ऑफ वेज में फिल कर सकते हैं, या तो ई को पुट कर सकते हैं, एक्स को, टी को, आर को या फिर ए को, तो यहां पे 5 नंबर ऑफ वेज में। बाद में यहां पे हमें ऑल लेटर्स यूज करने, देखो यहां पे जब भी बोला रहेगा ना कि ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, वहां पे रिपीटेशन नहीं आएगा क्योंकि हमें सारे यूज करने हैं। तो यहां पे अगर हम एक लेटर को यहां पे पुट करते थे, यहां पे कितने वर्ड आएंगे, यहां पे 4 लेटर्स हम फिल कर सकते हैं, एक्स को, टी को, आर को या फिर ए को। बाद में यहां पे 3, क्योंकि दो लेटर पांच में थे तो यहां पे चले गए, तो यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, that goes to 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60, 60 × 2 = 120। ये जो 120 आंसर है वो क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मतलब क्या है, ये जो वर्ड्स है वो टोटल हम बना सकते हैं एक्स्ट्रा वर्ड के सारे लेटर यूज करके, इनके अलावा 120 से ज्यादा कोई वर्ड नहीं होने वाला। अब इन्हीं में वो सारे वर्ड्स आएंगे कि जहां पे वोवल साथ में भी नहीं है और ऐसे वर्ड्स कि जहां पे वोवल साथ में भी है। अब हम दूसरी केस की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें इनमें से सबट्रैक्ट कौन सी चीज करनी है, जब भी वोवल साथ में आते तब हमें इनमें से सबट्रैक्ट करना है ताकि हमें वो वर्ड्स मिले जहां पे वोवल साथ में कभी भी नहीं आ रहे। तो यहां पे वोवल्स कम टुगेदर, अब देखो यहां पे नंबर ऑफ वोवल्स कौन से, ई और ए, दो ही है यहां पे अपने पास वोवल्स, तो यहां पे नंबर कितना आएगा, नंबर इज इक्वल टू 2। अब देखो हमारे पास, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी नहीं होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, प्लीज जाके वो वीडियो एक बार देख लेना। अब देखो यहां पे एक्स्ट्रा वर्ड में से जो अपने के दोनों वोवल्स है उन्हें हमने सेपरेट ले लिया, तो बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, बाकी जितने भी लेटर्स हैं उन्हें साथ में ले लिया, एक्स, टी, आर को, और इस ई और ए को साथ में ले लिया। देखो ये जो ई और ए है इनका हमें ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। अब ग्रुप फॉर्म कर लिया, अब देखो हमारे पास बॉक्सेस कितने बनाने पड़ेंगे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्या किया था हमने, ये जो सेपरेट हमने ग्रुप बनाया है वोवल्स का उसे डायरेक्टली सेपरेट एंटिटी कंसीडर किया है हमने यहां पे। तो यहां पे अपने पास लेटर कितने टोटल, 1 2 3, और इस पूरे ग्रुप को हमें एक की तरह ट्रीट करना है, तो हमारे पास टोटल काउंट कितना आएगा, 4। तो यहां पर हमें अब बॉक्सेस कितने बनाने पड़ेंगे, 4 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। तो देखो इस फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज है, 1 2 3 4, इनमें से कोई भी यहां पे जा सकता है, तो यहां पे आएगा 4। बाद में इमेजिन करो ये ग्रुप अगर यहां पे चला गया, ये यहां पे चला गया, तो यहां पे कितने बचे, यहां पे 3, बाद में 2, बाद में 1, कितना आया हमारे पास, 4 3 12, 12 × 2 = 24।
लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं हुआ. देखो वॉवेल्स कम टुगेदर हमने क्या किया था, ई और ए का एक ग्रुप फॉर्म किया था, लेकिन ये जो ई ए है ये भी एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, इनका भी तो ऑर्डरिंग डिफरेंट हो सकता है, और अगर हम ई ए को ए ई कर देते हैं तो सारा का सारा वर्ड बदल जाएगा. तो इनके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, देखो दो ही लेटर है मतलब दो ही कॉम्बिनेशन, यहाँ पे टू नंबर ऑफ वेज में इस फर्स्ट बॉक्स को फिल कर सकते हैं और इस वाले को वन नंबर ऑफ वेज में. सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू, या फिर डायरेक्टली हमने लास्ट वीडियो में किया था जितने भी वॉवेल्स है उनका डायरेक्टली फैक्टोरियल लिया था, मतलब टू फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू टू. अब हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अगर फाइंड करने हैं कि जहां पे वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर वो कितना रहेगा, 24 into 2 दैट इज 48. देखो ये हमारे पास आ गया वॉवेल्स कम टुगेदर. अब हमें अगर वॉवेल्स नेवर ऑकर टुगेदर फाइंड करना होगा तो हमें इस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से 48 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 120 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2, 12 में से 5 गया 72. 72 इज योर फाइनल आंसर. सो नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एक्स्ट्रा इन विच वॉवेल्स नेवर ऑकर टुगेदर इज 72. पहले से फिर से एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया था. पहले हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे 5, उनसे टोटल वर्ड्स हम कितने फॉर्म कर सकते हैं इस वर्ड के सारे लेटर्स यूज करके, वो हमने फाइंड कर लिया, वो थे 120. बाद में हमने क्या किया, जिन भी केसेस में जो अपने वॉवल्स है वो साथ में आ रहे उसका काउंट फाइंड किया, वो कितना आया, पहले हमने 24 लिया क्योंकि देखो इन तीन का एक ग्रुप कर लिया, वॉवल जो थे उनका एक ग्रुप कर लिया, हमारे पास चार लेटर आए, इनको हम कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में, मतलब वही बॉक्स जब फिल कर दे तो 4 × 3 × 2 × 1 वो आया 24. बाद में ये जो अपना जो ग्रुप था उसमें जितने भी मेंबर्स थे उनका जो फैक्टोरियल था उससे हमने क्या किया, इस 24 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर वो काउंट था 48. तो हमें अगर वो काउंट चाहिए था कि जहां पे वॉवल्स नेवर ऑकर टुगेदर, उसके लिए हमने क्या किया, इस 120 में से इस 48 को माइनस कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 72. तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा. अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करना अपने जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनमें, ताकि उन्हें भी थोड़ी हेल्प हो जाए. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू वेरी मच.